please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जब भी हम समंदर के किनारे की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में खारे पानी, नम रेत, तेज लहरें और ठंडी हवा आती है, लेकिन चीन का पंजन भी इस मामले में सबसे अलग है। दरअसल इस बीच का किनारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ रेत की जगह लाल रंग की चादर बिछी दिखाई देती है। हर मौसम में रंग बदलता है ये बीच। इतना ही नहीं, ये बीच मौसम की तरह अपने रंग बदलता है। अप्रैल और मई के दौरान इसका किनारा लाल रंग की घास से भर जाता है और गर्मियों के दौरान हरे रंग की चादर ओढ़े रहता है, लेकिन शरद ऋतु में ये क्षेत्र पूरी तरह से लाल रंग में डूब जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड, ये लाल समुद्री तट दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड में स्थित है। इस क्षेत्र में 260 से अधिक प्रकार के पक्षी और करीब 400 प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। इनमें लुप्त प्राय ब्राउन क्रेन और ब्लैक बीक गल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र को क्रेन्स का घर कहा जाता है। इस वर्ष दी गई थी राज्य सुरक्षा पंजन बीच के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए। इस क्षेत्र को साल 1988 में राज्य स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि लाल समुद्र तट के ज्यादातर क्षेत्रों में पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं है, फिर भी वहां कुछ क्षेत्र पर्यटकों के लिए खुले हैं। ये कोई पौधा नहीं है। लाल समुद्री तट का ये पौधा असल में एक सीप विड घास है। ये अकेला ऐसा पौधा है जो सलिन अल्कालाइन मिट्टी पर पैदा होता है। ये बिजली या ओहेर नदी के पास बोहाई सागर की खाड़ी में स्थित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब की दुनिया चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे नई और ताज़ा तरीन लेटेस्ट न्यूज़।